रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। अभी अभी यूपी के कैबिनेट मंत्री के घर बाहर तोड़फोड़, हंगामा, जानिए क्या लखनऊ। यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के विवादित बोल से भड़के सपा कार्यकर्ताओं ने शनिवार दोपहर उनके आवास पर टमाटर फेंके। सपाइयों ने उनके घर के बाहर तोड़फोड़ कर गेट पर लगा नेम प्लेट भी उखाड़ दिया। राजभर के खिलाफ जमकर नारेबाजी। आपको बताते चले कि वाराणसी में राजभर ने कहा था कि सबसे ज्यादा शराब यादव और राजपूत पीते हैं, वो उनका पुश्तैनी कारोबार है। इसी बात पर सपा कार्यकर्ता भड़के हैं। कैबिनेट मंत्री ने ये भी कहा कि राजभर, चौहान, कुम्हार, लोहार सभी जाति के लोग शराब पीते हैं। इसका कष्ट तो वो माँ, बहन और बेटी ही समझ सकती है जिसके घर में शराब पीने वाले लोग हैं। राजभर ने ये भी कहा कि प्रदेश में शराब की बिक्री बंद की जानी चाहिए। मैं 15 साल से इसका विरोध कर रहा हूं। शराब बंद कराने के लिए हमारी पार्टी आंदोलन करेगी। यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर आए दिन अपने इस तरह के बयान को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। इस मामले में लखनऊ पुलिस हंगामा और तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रही है।